Hey Chams, how are you? So let's start with our unit number 4. So class 11 ka already 3 units complete ho chuke hai. Right, we are into the 4th unit, part 1. Is video mein hum dekhne wale hai only part 1. Part 2 will be in another video, right? So class 11 ka part 2 of unit 4 physical education. Let's see it for the board CBSE. CBSE board ke liye hai yaar. Right, so before we start, let's know little about me. So my name is Asif Iqbal and I'm having 11 years of experience in teaching physical education. And along with this, I have qualified as an assistant professor in physical education. Mera master's ho chuka hai, bachelor's ho chuka hai. Kaun se subject mein? Physical education mein. And I have done NIS in athletics. Now I'm a national medalist, marathon runner as well as motor skill trainer bhi hoon. Right. So यूनिट का नाम क्या है यार, वी आर इनटू द फोर्थ यूनिट पार्ट वन. राइट, यूनिट का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN. ये CWSN किसके लिए स्टैंड होता है? CWSN मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है. इसका फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. राइट, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. CWSN stands for Children with Special Needs, right? So, इसके aims and objectives of adaptive physical education क्या है देखने वाले हैं. Organizations promoting adaptive sports देखने वाले हैं and concept of inclusive physical education देखने वाले and roles of various professionals for CWSN भी देखने वाले. So, adaptive physical education क्या होता है? Let's start with this. इसमें ये adaptive physical education एक important है एंड देन इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन. ये दो का डिफरेंस क्या है पता होना चाहिए हमें क्लियरली. सो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? देखिए यार, स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कि आप हो, क्रिकेट खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने, बास्केटबॉल खेलने, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा थिंग नहीं चाहिए. मतलब जो इंटरनेशनल रूल के हिसाब से है वो चाहिए. पर देखिए, यहाँ पे एक फिजिकली डिसेबल पर्सन है तो ये रनिंग करना चाह रहा है. ही वॉन्ट्स टू रन. ओके, ये रन करने के लिए क्या ये अपने वन लेग से रन कर पाएगा? नो, ही इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस. राइट, देखिए यहाँ पे इसको भी एक ही लेग है तो एक इसका एक इक्विपमेंट का सपोर्ट ले रहा है. टेकिंग द सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट इज नोन एज अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. मतलब एक काम करने के लिए ही इज टेकिंग द हेल्प ऑफ समथिंग, ही इज टेकिंग द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट, उसे ही कहते हैं अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके एक लेग नहीं है यार, देर इज नो वन लेग, एक लेग कम ही है. तो ये क्या कर रहा है? ये स्टिक्स यूज कर रहा है. राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक लेग. ये क्या हो रहा है? सी, दिस ऑल आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी बट टेकिंग द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स. समझ रहे हो ना? सो इट हैज बीन प्लान इन सच ए वे कि वो एक्टिविटी कर पाए विद द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट, उसे ही कहते हैं अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. राइट, सो देखते हैं एक्चुअली अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का बुक मीनिंग क्या है. ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिदम्स सूटेड टू द इंटरेस्ट, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज. ओके, हु मे नॉट सेफली और सक्सेसफुली एंगेज इन अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन इन जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. देखिए ये टू लाइन्स हमारे लिए है. देखिए, हु मे नॉट सेफली मतलब डिसेबल पीपुल विल के नॉट पार्टिसिपेट सेफली इन अनरिस्ट्रिक्टेड. हम तो हमारे पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, वो लोग के डिसेबल के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं. पार्टिसिपेट इन जनरल फिजिकल एक्टिविटी, जैसे रनिंग है तो हम क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं. बिकॉज आवर लेग्स आर गुड, ऑल आवर बॉडी पार्ट्स आर गुड. अगर किसी के नहीं होते ना तो उसे हम कहते हैं डिसेबल. देखिए, ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम, एक प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें सारे एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिदम्स उनके हिसाब से, डिसेबल पीपल के हिसाब से रहना चाहिए. उनके कैपेसिटीज, उनके कैपेबिलिटी, ऐसे नहीं रहना चाहिए कि वो लोग को मैराथन भागने के लिए बता रहे हो. ओके, मैराथन कितना? 42.195 किलोमीटर्स रहता है. सो कैन दे डिसेबल पीपल कैन रन? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो ये लोग का अलग से होता है. सो इनका कैपेबिलिटीज, इनके लिमिटेशंस अलग है, हमारे कैपेबिलिटीज, हमारे लिमिटेशंस अलग है. तो इनको सूटेबल होने के लिए इनके इंटरेस्ट के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को डिज़ाइन करना चाहिए, उसे ही कहते हैं अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. समझ गए हो ना? सो एम एंड ऑब्जेक्टिव, सो लेट्स वी विल सी द फर्स्ट एम्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एंड
देन फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. देखिए एम्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है, देखिए वेदर इट मे बी ए अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, वेदर इट मे बी ए इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन, वेदर इट मे बी ए जनरल फिजिकल एजुकेशन जो हमारे स्कूल्स में होता है ना वो वाला, राइट कौन सा भी हो यार, वेदर इट मे बी अडेप्टिव, इट मे बी इंक्लूसिव, इट मे बी जनरल, ये तीन का एक ही एम रहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट. इज इट और नॉट, इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द यूनिट नंबर वन. सो फिजिकल डेवलपमेंट, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट मतलब सारे ऑर्गन्स, ये जो भी ऑर्गन्स है ना सारे ऑर्गन्स अच्छे से साइज में ग्रो होना चाहिए, उसका अच्छे से शेप होना चाहिए एंड अच्छे से वर्क होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे फिजिकल ग्रोथ. मेंटल ग्रोथ क्या है, अलर्टनेस, ओके अलर्टनेस रहना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, राइट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए एंड एक क्या होता है सोचना चाहिए, अरे यार वो ऐसे रहने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करना हमारे ओनली, इट्स नॉट ओनली अवर पॉइंट ऑफ व्यू विच इज राइट, इट्स द अदर पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलरेडी आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज रिटन लाइक दिस, द वन हु इज फेसिंग दिस साइड, ओके ही विल रीड इट एज 9 एंड द पर्सन हु इज फेसिंग दिस साइड विल रीड इट एज 6. हर एक का अलग अलग होता है, हम उसको सबको समझना चाहिए. इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ क्या है, वॉट इज इमोशनल ग्रोथ, ओवरकमिंग ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स लाइक फियर, एंगर, जलस, हैप्पी, सैडनेस, ये सारे फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है, ये सारे फीलिंग्स को ग्रो करना है, मतलब ओवरकम करके रहना है. सोशल डेवलपमेंट मतलब सबके साथ कोऑर्डिनेशन, सबके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करे एंड कोऑपरेशन मेंटेन करे, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं सोशल ग्रोथ. फिजिकल ग्रोथ मतलब हमारे ऑर्गन्स जो कि साइज शेप एंड वर्क में अच्छे से काम करना चाहिए. मेंटल ग्रोथ इज नथिंग बट अलर्टनेस, कोऑपरेशन रहना चाहिए, राइट दिमाग से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए. इमोशनल ग्रोथ मतलब सारे फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, अगर कुछ सिचुएशन हैप्पी या सैड सिचुएशन हो गया इट शुड नॉट अफेक्ट द नेक्स्ट वन, राइट. सोशल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ क्या, अगर इफेक्ट भी, सॉरी इमोशनल ग्रोथ में अगर इफेक्ट भी हो रहा है पॉजिटिव में इफेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए. एंड सोशल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ इज सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, भाईचारा, राइट. नेक्स्ट आता है फिर कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एम, ग्रोथ टू देयर पोटेंशियल. एक इंडिविजुअल का एक पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल लेवल तक ग्रो होना चाहिए थ्रू स्पेशल प्लान प्रोग्राम. देखिए वो लोग का प्रोग्राम और हमारा प्रोग्राम सेम नहीं रहेगा, सो वी नीड टू प्लान ए स्पेशल प्रोग्राम, वो लोग के लिए स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन करना चाहिए, राइट. क्यों डिजाइन करना चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट बी विद द रेगुलर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वो रेगुलर वालों के ऐसा नहीं रह पाएंगे, सो वो लोग के लिए अलग से प्लान करना चाहिए एंड दैट हैज टू इम्प्लीमेंट रेगुलरली. सो एक इंडिविजुअल का कंप्लीट पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए वो लोग के लिए स्पेशली प्लान्ड एक्टिविटीज लेना चाहिए, राइट. टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द डिफरेंटली एबल, डिफरेंटली एबल मतलब कौन है यहाँ पे, CWSN, और वी कैन ऑल्सो से दिव्यांग, राइट वी कैन ऑल, और वी कैन ऑल्सो से डिसेबल, समझिए हो ना, राइट. So to provide equal opportunity for the divyang people also to participate in physical education. देखिए ये क्यों करना चाहिए, वो लोग भी पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए प्रोग्राम सेफली एंड सक्सेसफुली, सेफली भी करना चाहिए एंड सक्सेसफुली भी करना चाहिए, राइट. सो पहला क्या है, क्यों करना चाहिए, वॉट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. देखिए क्योंकि टू इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स. देखिए अब अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्या है, देखिए देर शुड बी सम पीपल हु शुड बी प्लानिंग दिस. बिना कोई, अगर बच्चा रेडी है, अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो वो कैसे खेलेगा, अगर इक्विपमेंट नहीं है, ओके इफ देर इज नो इक्विपमेंट देन हाउ दे विल बी प्लेइंग, इज इट और नॉट. सो देर शुड बी पीपल हु शुड बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय प्लानिंग ए करिकुलम और बाय मेकिंग एन इक्विपमेंट, राइट. दिस इज वॉट इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स. सो प्लानिंग एंड इक्विपमेंट डिजाइनिंग कैसे होना चाहिए, दोनों का डिजाइन कैसे होना चाहिए टू मीट द स्पेशल नीड्स, ओके. नेक्स्ट वाला, टू डेवलप मोटर स्किल्स. देखिए इट्स नॉट ओनली फॉर द नॉर्मल पीपल, जनरल फिजिकल एजुकेशन, इवन फॉर द डिसेबल पीपल, CWSN स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, वो लोग के लिए भी मोटर स्किल्स. वॉट आर द मोटर स्किल्स हियर,
देखिए रिएक्शन राइट, रिदम, एजिलिटी, स्पीच, ये ऐसे बहुत सारे लिस्ट है, देर विल बी ए लिस्ट ओके. ये सारे मोटर स्किल्स नॉट ओनली फॉर द जनरल पीपल, इवन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये लोग के लिए भी मोटर स्किल्स डेवलप करना, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. देन इससे क्या होगा, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन करने से क्या होगा, एनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज, दे डोंट फील लाइक दे आर इन्फीरियर, दे आर इन्फीरियर, दे फील दैट दे आर गुड इनफ एंड दे आर ऑल्सो इक्वल. इट्स ऑल अबाउट लुकिंग एट देमसेल्फ, हाउ दे फील अबाउट देमसेल्फ. देखिए देर विल बी फ्यू पीपल हु विल बी ऑलवेज फील दैट दे आर हैप्पी, and there are few people who feel that they are always sad, there will be few people who will be always negative, this kind of people will be more when compared to these two, right? They, whatever they we do, they find something or the other negative thing in it. So how we look at ourselves, take one of the example what I can give is a person with physical disability, he doesn't have two hands as well as two legs. That if he does anything which is equal to a normal person, then everyone will appreciate. Then what will happen? Their self-esteem goes up. Means I can achieve. So the people get motivated after seeing those kind of people. Is it or not? So next wala kya? Ensure participation. Ensure participation of students in physical education program. Like even with these special students. Even the special student, we need to ensure that they also participate in physical activities, right? That is one of the core objectives of adaptive physical education. They should also participate. Even if they don't participate with general people, let them don't participate. But they should participate in one or the other form. See, here they are playing the basketball. How do we play? On the legs. But they are physically disabled with their legs. Their legs might be paralyzed, their legs might be cut off, whatever the reason it is, but they are playing. It's a competition. It's not for the practice. It's a high level of competition. You can see the environment over here, right? With the dress code and everything, right? So every individual should participate, whether it is a general person or whether it is a special person, right? So, and to improve their physical fitness also, then we need to encourage them to do the physical activities. Even by adapting, it doesn't matter. But see, here is a person with physical disability, but he is doing. When he is doing these activities, what will happen? See his cough over here, how good it has been developed, right? Can you see the shape over here, how good it is, right? So when they do physical activities, their physical fitness will also increase without any. So the next point is, when students participate in physical activities, they get motivated by themselves. Like when they get motivated, they can protect themselves. Like see, this is a thing which won't harm anyone, right? This is a snail which won't harm anyone, right? But it protects itself by, if anyone touches it, it feels if there is any danger, it adjusts itself into this. It goes into this and protects. The same way, when a smaller creature can protect itself when it feels any kind of danger, even the special needs students also do the same thing when they participate. Because when they participate in physical activities, the level of their, even not only for them, even for the general people, even for the general students, if they participate, the level of confidence changes. And they feel that they have enough strength and they work on themselves. So this is how we can motivate the students also. So next one, promote sportsman spirit quotas. Okay, can we guess it out, who is the winner and who is the loser over here? No, we cannot guess it. Because at last, winning and losing, we will remember it. But more than that, we will remember the quality of a sports person. See, there will be few incidents we will be seeing in the YouTube that the people... the unexpected events of the players, they will be going and doing something with the ball boy or some other support stuff so that it comes into the news,
Is it or not? It will be remembered for Sachin Tendulkar is there. He is remembered for his good game, no doubt in it. But he is also remembered for the qualities he is having, such as not he is not for not tampering the ball, not arguing with the players, and not what? Not dragging the players, like ragging or not. There is a certain word in the cricket which is used to dilute the concentration of the player, disturb the concentration. He will never include in that. But teams, like few teams are there, like Australia, not all the players from Australia, few players are there who disturbs the momentum. They disturb the momentum and try to take the wickets whenever they are doing a bowling. So sportsman spirit is nothing but we need to accept the results and we need to act accordingly. So we should be very cooperative with opponents also. Next one, develop knowledge of good biomechanics. See, if you can see it, see, this is the correct biomechanics. If you see this fellow, this player backbone is little back. This is wrong because here it has to be straight or it has to be forward, not backward. Why? Because they are moving in this direction. His body is going backward. So it results in the injury. Matlab, we need to understand that what kind of body posture we need to maintain while doing the activities. Got it? See how good it is. See, these two are correct. So what kind of activity, what kind of body posture need to be maintained at what kind of activities or what kind of movement? So it can be learned through physical activities, not only for the special needs, even for the general people. So most of the points covered in this are not only for the special needs people but also for the general people. Improve social adjustment. See, if this is you, so in your old home, you with the old home, like if you are changing your house, okay, with the old home and the new home here. For the new home, you need to stay in touch, and then when you vacate the old home, you need to stay in touch with your old friends. When you come to new home, you need to meet the new people. Okay, negotiated absence here, necessary presence. Keeping in touch, getting settled. See, this is like you need to adjust wherever you go. It should not be like I like that, but I did not like this. Or I like this, I did not like that, so I will ignore everyone over there. No, it should not be there. You need to be balanced. Right. Next, see, these all are the things which have, like children with special needs, means it might be intellectual. Special needs man, intellectual. It might be intellectual, it might be physical, it might be deaf, it might be blind, anything. Is it or not? It might be anything. So let's see what are or who are the organization promoting these games. One is in India, it is Special Bharat Olympics. Special Bharat or Special Olympics is not, Special Olympics is nothing but for the people who are intellectually disabled. Who are disabled by the mind. Right. See, if you see that these people are little bit intellectual disabled, right? So for them, games which are organized for the intellectually disabled people, they are called as the Special Olympics. So how, see, this is Special Olympics. Bharat is the organization which is promoting Special Olympics. So it is officially recognized as Special Olympics. At international level, it is called as the Special Olympics. It has been started by Yuri Kennedy Shrove. She is the sister of John F. Kennedy. John F. Kennedy, who is a former president of USA. She is the sister of her. Okay. It is for intellectual disabled. As I told you, it is for Special Olympics. It is for intellectual disabled. In which year it has been founded in India? In the year 1987. Right. And it has been renamed as Special Olympics Bharat in the year 2001. Okay, right. What is the mission? Mission is to provide training. ये सारे लोग को training provide करना है और sports को organize करना है throughout the year training provide करना है, sports competitions को organize करना है. कब कब करना है? कब training कब करना है? और sports training कब देना है? और competitions कब organize करना है? Throughout the year. किसके लिए? Intellectual disabled. Providing training and organizing sports competition throughout the year for the children and adults with intellectual disabilities. Right.
अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, और मिशन क्या है, एक एक ही ट्रेनिंग देना है, देन स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है थ्रू आउट द ईयर, किसके लिए, डिसेबल पीपल के लिए। यहाँ पे क्या है, ये लोग का फिजिकल फिटनेस डेवलप करना है, ये लोग का करेज को भी डिस्प्ले कराने देना है, एक्सपीरियंस जॉय एंड पार्टिसिपेटिंग इन शेयरिंग ऑफ गिफ्ट, स्किल्स एंड लीडरशिप। दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्पेशल नीड, दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्पेशल नीड, दिस इज फॉर द जनरल पीपल ऑल्सो। गॉट इट? वॉट इज द ओथ? ये लोग हमारे लिए भी ओथ होता है ना, बिफोर 2000 इट वॉज वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट, फ्रॉम 2000 सिडनी सिडनी इन द नेम ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स आई बोल के शुरू होता है, लेट मी विन, मुझे जीतने दीजिए, अगर मैं नहीं जीत पा रहा हूँ देन लेट मी ब्रेव इन अटेम्प्ट अगेन, राइट, मुझे जीतने दीजिए, अगर मैं नहीं जीत रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगली बार भी ट्राई करने का मौका दीजिए, राइट। सो वॉट इज द गोल ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स? टू प्रोवाइड चांस टू डिफरेंटली एबल चिल्ड्रेन, बोलते ये लोग का गोल क्या है यार, ओनली इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपुल को फिजिकल फिटनेस एंड फोकस ऑन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट, और ये लोग की डेवलपमेंट के लिए फोकस करना ही है। सो इसमें बेनिफिट्स क्या है यार, एवरी दिस इज द थर्ड टाइम, राइट। सो बेनिफिट्स क्या, फिजिकली मेंटली सोशली इमोशनली, सारे मेंटली अलर्टनेस रहना चाहिए, सारे ऑर्गन्स अच्छे से ग्रो होना चाहिए और वर्क करना चाहिए, सबसे भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सारे फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, राइट। पैरा ओलंपिक्स किसके लिए होता है? पैरा ओलंपिक्स इज फॉर द फिजिकली डिसेबल, किसके लिए होता है? फिजिकली डिसेबल पीपल के लिए होता है, ओनली फॉर द फिजिकली डिसेबल। सी यू कैन सी दीज आर डिसेबल बाय द लेग्स, ओके ओके, दिस इज वन ऑफ द मोर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर वेरियस डिसेबल्ड, सच एज मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब नो मूवमेंट, देर इज नो मूवमेंट इन द बॉडी पार्ट, ब्लाइंडनेस, द वन हु कैन नॉट सी, सेरिब्रल बैक पेन, पैरालिसिस आ गया, सो वाला। इट विल बी हेल्ड एवरी फोर ईयर्स, एंड कब से स्टार्ट हो गया, 1960 में स्टार्ट हुआ, विंटर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ है, पैरा ओलंपिक्स के लिए, पैरा में 1976, ओके। नेक्स्ट, इसको कौन कंट्रोल करता है, हु विल बी, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ना इट्स नॉट इंडियन पीनल कोड, इट्स इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी, ये सारे चीजें को सुपरवाइज करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया पूरे में यही बड़ा है मॉडर्न ओलंपिक्स का। सो द क्वेश्चन इज हु सुपरवाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड अदर चैंपियनशिप फॉर द मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक्स को कौन सुपरवाइज करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, पैरा ओलंपिक्स के लिए इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी। मॉडर्न ओलंपिक्स को कौन है, पॉज करके कॉमेंट कर दीजिए आंसर को, राइट। सो विजन, वॉट इज द विजन ऑफ दिस पैरा ओलंपिक्स? टू एनेबल पैरा ओलंपिक एथलीट्स टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सलेंस, स्पोर्ट्स में एक्सलेंस, इंस्पायर करे अदर दूसरों को एंड एक्सेड द ओल्ड, दुनिया को बता दे पूरा। सो अवार्ड्स क्या दिया जाता है, उसमें क्या दिया जाता है, नॉर्मल ओलंपिक्स में, जनरल ओलंपिक्स में 1, 2, 3 गोल्ड पोजिशंस को गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है, यहाँ पे 4 to 8 तक ओनली सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट। दिस इज फॉर द जनरल ओलंपिक्स, वेयर एज फॉर पैरा ओलंपिक्स के लिए 1, 2, 3 दिया जाता है, एंड एज यूजुअल नेशनल एंथम हूएवर विल बी द विनर ऑफ इट। उसके बाद पैरा ओलंपिक्स का मोटो क्या था, अप टू 2004 स्पिरिट इन मोशन, उसके बाद हो गया माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। इसके बारे में और डिटेल में चाहिए पैरा ओलंपिक्स, ओके, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, ओके, ये दो चीज के लिए आपको और ज्यादा चाहिए तो यूनिट टू देख लीजिए, यूनिट टू आई गेस इन पार्ट वन, इफ नॉट इन पार्ट वन इट विल बी द पार्ट टू, डेप्थ में है। रीजन क्या है, पैरा ओलंपिक्स कैसे स्टार्ट हुआ है, किस लिए स्टार्ट हुआ है, हु इज द फाउंडर, उसके बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, फॉर द सेम फॉर द स्पेशल ओलंपिक्स ऑल्सो। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज, टोटल 10 कैटेगरीज है, अरे आप पूछ सकते हो, अरे सारा ना आपने तो 10 बताया, यहाँ पे 3 ही है, यस इट्स ओनली 3 बट दीज आर सब डिवाइडेड, ठीक है। फिजिकल में समवन माइट हैव लॉस्ट लेग्स, कोई एक लेग जाता है, किसी का दो लेग्स जाता है, हैंड्स, किसी का एक हैंड जाता है, किसी का दो हैंड जाता है, इज इट ऑनर ऐसे। यहाँ पे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, पर यहाँ पे कितने बताए, विजुअली किसी का आई एक आई जा सकता है, किसी का दो आई जाता है, इज इट ऑन नॉट, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक हो गया, 7, ओके। लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें बहुत वेराइटीज होते हैं यार,
ओके, बहुत सारे वेराइटी सब पार्ट होके होता है, राइट? टोटल 10, बट मेजरली दे आर डिवाइडेड इनटू 3, फिजिकल, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल. सो डेफ ओलंपिक्स मतलब द वन हु कैन नॉट, द वन डेफ ओलंपिक्स इज फॉर द पीपल, द वन हु कैन नॉट टॉक, इज इट और नॉट? द वन हु कैन नॉट टॉक, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द साइन लैंग्वेज. ओके, इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल कमिटी, राइट? International Committee of Sports for Deaf. So ICD, it has been organized by ICD. Deaf Olympics, ये क्या है? Modern Olympics के बाद, Modern Olympics के बाद the next oldest one is the Deaf Olympics. Got it? Deaf Olympics were also called as an old games for the deaf. Old games for the deaf. Flags or right? Flags or visuals. Sorry, Deaf Olympics, the one who cannot hear. Sorry, here. Right? The one who cannot. Deaf Olympics is nothing but the one who cannot hear it. It's not the one who cannot talk. I repeat it again. The one who cannot hear it. Deaf Olympics is for the people who cannot. Deaf Olympics is for the people who cannot hear it. Right? It's not the one who cannot talk. Okay? Right. So, ये लोग के कुछ सुनाई नहीं देता है ना, तो उसके लिए दिखाई तो देता है. राइट, उसलिए ये लोग के लिए फ्लैग्स एंड विजुअल्स यूज किया जाता है. आई करेक्ट इट अगेन, द डेफ ओलंपिक्स इज फॉर द पीपल हु कैन नॉट टॉक, नॉट हु कैन नॉट हियर. ओके, द वन हु कैन नॉट हियर, राइट? डेफ ओलंपिक्स विल बी हेल्ड फॉर एवरी 4 ईयर्स. एंड ये फर्स्ट टाइम कब हुआ है? 1924 में. तो देखिए, मॉडर्न ओलंपिक्स 1986 में हुआ है, राइट? डेफ ओलंपिक्स 1924 में हुआ है, पैरा ओलंपिक्स 1960 में हुआ है, स्पेशल ओलंपिक्स 1968 में हुआ है, राइट? सो हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट? 1924. 9 यूरोपियन कंट्रीज एंड 148 एथलीट्स हैव पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? विंटर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ? इन द ईयर 1949. सो डेफ ओलंपिक्स का देख लीजिए हाउ इट इज कॉल्ड एज एन 24 से 1968 तक डेफ इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ एंड इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, राइट? देन 1966 टू 1999 तक वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ और वर्ल्ड साइलेंट गेम्स. यहाँ पे इंटरनेशनल लगाया गया, यहाँ पे वर्ल्ड लगा दिया. नाउ इट इज कॉल्ड एज एन डेफ ओलंपिक्स. ओके, सो इसका मोटो क्या? व्हाट इज द इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स. देखिए, हु विल बी कंसिडर एज द डेफ? The one who cannot hear, okay? The one who cannot hear, who is having a 55 decibel, मतलब दो कान में द बेस्ट कान, जो कान अच्छे से सुनाई देता है उसका 55 decibel, मतलब एक स्केल होता है 55 decibel है, then he will be considered as an hearing problem, right? So I hope I have made most of the points very very clear. अगर आपको कोई doubts है, you can ask me in the comment box, okay? So don't forget to subscribe my channel and don't forget to share about this channel with your friends. So please take care of yourself and your loved ones. We will be meeting for the part 2 of unit 4. Signing off for today. Bye.